بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Class 6, your subject is mathematics. Student, we are going to start work for day 5. In previous lecture, exercise number 11.3 आपकी student complete हो गई थी. आज हमने 11.4 start करनी है. Student, 11.4 में आपने area of a trapezium पढ़ना है. स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ ट्रैपीजियम जो है आपका पैरेललोग्राम की तरह ही है. इसकी टू साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है. आप इसको देखें जरा, ये हमारे पास बनी हुई है, एक ये साइड और ये साइड, ये इसकी पैरेलल है. हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था जिसकी फोर साइड्स आपके पास क्या होती हैं, पैरेलल हैं. लेकिन ट्रैपीजियम में आपके पास टू साइड्स पैरेलल हैं. यहाँ देखें, आपके पास ये बनी हुई है इस शेप में. मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया कि इसकी एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर ले ली. स्टूडेंट, परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर क्या है, जिसे हम कहते हैं अमूद, अमूदन कह लें. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हम इसे कह सकते हैं वर्टिकल फॉर्म. जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, या आप ये समझ लें कि आपकी जमीन पर जो दीवार खड़ी है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है. तो स्टूडेंट, जो परपेंडिकुलर होता है उसके दरम्यान में हमेशा 90 का एंगल बनता है. आप यहां पे देखें, यहां से लेके यहां तक मैंने एक लाइन ली और इसको मैंने ऊपर पैरेलल लाइन के साथ क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है. इसके दरम्यान में क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल. जो स्टूडेंट मैंने लाइन एक्स्ट्रा ली है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइट, ओके. और जो नेक्स्ट जो ऊपर है पार्ट, वो क्या है, बेस. और मैं इसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. मतलब पहले मैंने इस पार्ट को किया. अब आप देखें, यहां पर एक ट्रायंगल बन रही है. तो स्टूडेंट, ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस. तो स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है इसे. आप देख लें कि ट्रैपीजियम का एरिया फाइंड करना है. इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2. 1/2 क्यों आया, क्योंकि हमने हाफ पार्ट लिया है, ये पार्ट. इसको सॉल्व करें, आप इस पार्ट को सॉल्व कर लें, इस पार्ट को सॉल्व कर लें, आंसर इक्वल ही आएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वर्ड आएगा, तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल फॉर्म में जो लाइन होगी वो आपने उसके डिजिट्स लिखने हैं. मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स. एक पैरेलल साइड ये है और दूसरी पैरेलल साइड क्या है, ये है. इनको आपने प्लस करना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. जो आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे. जी स्टूडेंट, आप क्वेश्चन इसी डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे. ओपन योर बुक पेज नंबर 132. एरिया ऑफ अ ट्रैपीजियम. अ ट्रैपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली 2 पैरेलल साइड्स. नेक्स्ट पेज पर फॉर्मूला लिखा हुआ है 133 पर. एरिया ऑफ अ ट्रैपीजियम इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ 2 लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स. जी स्टूडेंट, क्वेश्चंस पर आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कैलकुलेट द एरिया. फिगर्स बनाई हुई हैं और हमें कैलकुलेट करना है एरिया को. स्टूडेंट, आपकी जो प्रीवियस लेक्चर में वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट हो गया था, ये आपका वर्क फॉर डे 6 है. एक्सरसाइज नंबर 11.3 में आपका डे 5 कंप्लीट हो गया था, ये आपका डे 6 है, ओके. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
फर्स्ट पार्ट. डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या चीज गिवन है. ये देखिए, एक पैरेलल साइड, सेकंड पैरेलल साइड. आप लिखेंगे वन पैरेलल साइड इक्वल टू 9 मीटर, सेकंड पैरेलल साइड इक्वल टू 5 मीटर. और यहां पे क्या आप लिख देंगे, हाइट. आप हाइट भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इक्वल टू 6 मीटर. ये तीनों चीजें गिवन है. फॉर्मूला लगा लें आप स्टूडेंट. एरिया ऑफ ट्रैपेज़ियम इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस सम ऑफ पैरेलल लाइंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू. यहां पे क्या देगा, 9 मीटर प्लस 5 मीटर. ब्रेक इट क्लोज. 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 और 5 को प्लस किया तो आंसर क्या देगा, 14 मीटर. स्टूडेंट जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास सिंपल मीटर लिखा रहता है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा. मल्टीप्लाई करें 1/2 84 मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. 2 1 2 2 4 8 2 2 4. आंसर क्या आ गया, 42 मीटर स्क्वायर. उसका एरिया क्या है ट्रैपेज़ियम का, 42 मीटर स्क्वायर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टू पार्ट. स्टूडेंट देखें, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है. जिस आपकी शेप में या फिगर में वर्टिकल लाइन होगी वो आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. ये देखें, इसमें कौन सी लाइन है,
वो क्या है आपके पास दी हुई 3 मीटर है। पैरेलल साइड्स क्या दी हुई हैं, फर्स्ट है 7 मीटर, सेकंड है 5 मीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपके पास 3 मीटर। हम जो है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। सेवन मीटर प्लस 5 मीटर सेवन एंड फाइव को प्लस करें 12 मीटर आ जाएगा और 12 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 मीटर के। टू वन दर टू टू वन दर टू वन कैरी योर 8 आंसर क्या आ गया 18 मीटर स्केयर आ जाएगा। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद करेंगे। पार्ट 3 और पार्ट 4 ये सेम है, बस वैल्यू चेंज है। आपको 5 वाला पार्ट स्टूडेंट मैं आपको इसलिए करवाऊंगी क्योंकि इसके अंदर पॉइंट है, अगर पॉइंट ना लिखा होता तो आपने वो भी इसी तरह ही क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके अब हम देखते हैं पार्ट 5। मीटर 57.2 मीटर। स्टूडेंट आपने पहले वाले जो क्वेश्चंस किए थे हाइट आपके पास इधर थी लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन अब हाइट कहाँ है आपके पास राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वैसे ही लिखा रहेगा। फर्स्ट साइड क्या है 57.2 मीटर और ये क्या है 92.8 मीटर और डिस्टेंस क्या है आपके पास 33 मीटर। डी क्वेश्चन क्वेश्चन में पुट करेंगे 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 33 मीटर मल्टीप्लाई बाय 57.2 मीटर प्लस 92.8 मीटर। स्टूडेंट यहां पे क्या देगा प्लस करके 150 मीटर मल्टीप्लाई कर लें 33 के साथ मीटर स्क्वायर। टू वन दर टू 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 दर फोर टू फोर दर 8 वन कैरी टू सेवन दर 14 वन कैरी एंड टू फाइव दर 10 2475 मीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर है। अब आप 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। आपने ये देखा कि डेसिमल पॉइंट में भी हमारे पास अगर वैल्यूज हैं तो क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। आपके पास जो नंबर्स दिए हुए हैं
उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज पुट करनी है और देन आपने उसको सॉल्व करना है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर टू। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू जो आपके पास दिया हुआ है स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है और देन हमने उसे सॉल्व करेंगे। सब ने बुक रेडी कर लें, नोटबुक। क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रैपेज़ियम हुज लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, के पैरेलल साइड्स की लेंथ दी हुई है, आर 19 मीटर एंड 24 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। के फर्स्ट साइड क्या है 19 मीटर है और सेकंड क्या है 24 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू गिवन, लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इक्वल टू 19 मीटर कॉमा 24 मीटर। फर्स्ट लेंथ भी होगी और सेकेंड लेंथ भी होगी। अब लास्ट पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 मीटर। आप यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 14 मीटर। फॉर्मूला लगा दें, एरिया ऑफ अ ट्रैपेज़ियम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। जी स्टूडेंट अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 14 मीटर मल्टीप्लाई बाय 19 मीटर प्लस 24 मीटर। नाइनटीन और 24 को स्टूडेंट आप प्लस करें, वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर मल्टीप्लाई बाय 43 मीटर। 43 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 14 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 602 मीटर स्क्वायर। 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 0 × 2 = 2 आ जाएगा 301 मीटर स्क्वायर। जी श्रेणी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, our trapezium has 20 meter and 35 meter its is length of two parallel sides and its perpendicular distance is 16 meter, calculate its area। आपने एरिया फाइंड करना है, perpendicular distance भी फाइंड है, सॉरी गिवन है और आपके पास parallel sides भी गिवन है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड खुद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू की ही तरह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ ट्रैपेज़ियम इज 8 मीटर एंड द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड्स आर 10 मीटर एंड 15 मीटर. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रैपेज़ियम. स्टूडेंट यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और आपके पास पैरेलल साइड भी गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद सॉल्व करेंगे, ये सेम हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अ ट्रैपेज़ियम शेप प्लेग्राउंड हैज लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स 18 मीटर एंड 120 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ इट्स फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 25 पर मीटर स्क्वायर वेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 45 मीटर. स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि एक प्लेग्राउंड है वो ट्रैपेज़ियम की शक्ल में है, उसके पास पैरेलल साइड भी दे दी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे दिया है. अब ये कहा है कि जब हम उसकी फ्लोरिंग करवाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा, और एक जो है एक मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो है 25 रुपीज है. क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 गिवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू मीटर. Length of its parallel side equal to 80 meter and 120 meter. Find the cost of flooring. Formula लगा लें student. Area of trapezium equal to 1/2 perpendicular side. डिस्टेंस आएगा नॉट अ साइड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ मैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमारे पास 45 मीटर मल्टीप्लाई बाय 80 मीटर प्लस 120 मीटर. ये स्टूडेंट इन्हें प्लस कर लें 1/2 45 मीटर मल्टीप्लाई बाय 80 में 120 प्लस किया तो क्या आएगा 200 मीटर. 1/2 45 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर लें मल्टीप्लाई बाय 9000 मीटर स्क्वायर. 2 × 2 = 8 वन कैरी 2 × 5 = 10 एंड देन 2 0 तो आंसर क्या आएगा 4500 मीटर स्क्वायर. जिसमें ये इसका आंसर है. अब देखें हमने उसका एरिया निकाल लिया है कि जो उसका अंदर वाला पार्ट है इनर पार्ट है उसका एरिया कितना है 4500 मीटर स्क्वायर. अब लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग के फर्श का काम करने के लिए
कितना रेट उन्होंने दरकार दिया हुआ है? ₹25 per meter square। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ₹25 per meter square मल्टीप्लाई बाय 4500 meter square। ये मीटर स्केयर इसे कैंसिल हो जाएगा, 25 by 4500 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 25, 1,12,500। स्टूडेंट ये क्या है जी? रुपीस। प्ले ग्राउंड का जो फर्श का काम कराने के लिए कितने पैसे आएंगे, दरकार होने चाहिए? 1,12,500। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ कार्पेट a trapezium shape floor at the rate of ₹32 per meter square। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था हमारे पास? के प्लेग्राउंड था, अब हमारे पास कारपेट हमने बिछाना है और ट्रापीजियम शेप में हमारा फर्श है और उसका मीटर स्केयर के मुताबिक वो क्या है जी, रेट क्या है? 32 per meter square। वेयर द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापीजियम 7 meter एंड 17 meter रिस्पेक्टिवली एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 9 meter। डिस्टेंस भी गिवन है, पैरेलल साइड्स भी गिवन है। जैसे भी स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किया है, पहले मैंने वैल्यूज पुट की, मैंने इसका आंसर निकाल लिया, ये है। ये आंसर निकालने के बाद जो आपके पास दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ये इसका रेट गिवन था। ऐसे ही आपने जो है क्वेश्चन नंबर 6 करना है, सेम क्वेश्चन है और वैल्यूज चेंज है, ठीक है? आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस स्टूडेंट वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है और 11.4 भी कंप्लीट हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 11.5। स्टूडेंट आप देखें, आपके पास अभी आपने ट्रापीजियम पढ़ा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर। स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग इन्हीं जो है तस्वीर के मुताबिक जो है हमारे पास यही एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। देखें स्टूडेंट मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूं, ये देखें ये स्केयर है हमारे पास स्टूडेंट, ये इसकी क्या है बेस और ये क्या है वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं हाइट। अगर मैं इसको लेदर शेप को बनाऊं ये कुछ ऐसे बनेगा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है ट्रायंगल, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट इस चीज को हम क्या कहते हैं हाई, इसका कोई काम नहीं है, आप इसे रहने ही दें। स्टूडेंट ये वाली ट्रायंगल हमने बनाई है इसे हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। जिसके अंदर 90 का एंगल होता है और हमारे पास क्या होती है बेस और हाइट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को इसी तरह मैं डिवाइड कर देती हूं, यहां पे भी क्या रहेगा ये बेस है और ये क्या है हाइट है। स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा है उसको मैं अगर डिवाइड कर देती हूं तो हमारे पास क्या बन जाती है ट्रायंगल बन जाती है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? 1/2 हाफ पार्ट में डिवाइड किया और आगे क्या आ रहा था हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला भी हमने पीछे भी पढ़ा है, पीछे को किसमें हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला स्टूडेंट? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था। अब ट्रायंगल में क्या है आपके पास? 1/2 आपने इसके साथ लगाना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 11.5।
क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन। बेस क्या है हमारे पास, गिवन 8 मीटर, और हाइट क्या है स्टूडेंट 4 मीटर, 14 मीटर। जी स्टूडेंट आप इसे देख लें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू क्या है 8 मीटर, और ये क्या देगा 14 मीटर। फोर्टीन एट जाए क्या होता है हमारे पास 1/12 मीटर स्क्वायर। 2 1 2 2 5 10 1 carry 2 6 12 क्या आंसर आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ऑफ ट्रायंगल। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे दिया हुआ है, बेस इक्वल टू 19 मीटर और हाइट दी हुई है 16 मीटर। क्वेश्चन यही है बट वैल्यूज चेंज है, टू आप खुद करेंगे स्टूडेंट पार्ट। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में आपके पास पॉइंट में दिया हुआ है 14.4 एंड 12.5। थर्ड पार्ट, बेस इक्वल टू 14.4 मीटर और हाइट है हमारे पास 12.5 मीटर। जी स्टूडेंट फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 180 मीटर स्क्वायर। ब्रैकेट और 1/2 के दरमियान में कुछ नहीं है, इसलिए इसके दरमियान में क्या आएगा मल्टीप्लाई 2 1 2 2 9 18 और 0। आंसर क्या आएगा 90 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट ये इसका आंसर है। अब देखें पार्ट फोर में दिया हुआ बेस एंड हाइट। स्टूडेंट पार्ट 4 to 8 आप खुद सॉल्व करेंगे, देखिए कौन कौन से सॉल्व करना है 2 3 4 5 6 7 and 8। ये सेम पार्ट है, ये आपको सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब आप देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फ्लोर हूज बेस इज 9 मीटर एंड हाइट इज 5.4 मीटर। स्टूडेंट बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। ओके क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट
गिवन क्या है आपके पास, बेस इक्वल टू हाइट इक्वल टू, बेस क्या दी हुई है 9 मीटर और 5.4 मीटर क्या है हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 9 को मल्टीप्लाई कर लें 5.4 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर आ देगा हमारे पास 48.6 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कर दें 2 के साथ तो आंसर आ देगा 24.3 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर थ्री में फर्स्ट लाइन में आपको पता चलेगा कि बेस और हाइट क्या गिवन दी हुई है। आ ट्रायंगुलर सैंडविच हैज द सेम हाइट एंड बेस, क्या है सैंडविच दिया हुआ है उसकी हाइट भी और बेस भी क्या है सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ द सैंडविच, सैंडविच का आपने एरिया फाइंड करना है इफ इट्स बेस इज 7.4 सेंटीमीटर, अगर बेस 7.4 है तो हाइट भी क्या होगी 7.4 होगी। गिवन सेम हाइट एंड बेस, बेस इक्वल टू 7.4 मीटर, हाइट इक्वल टू 7.4 मीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल जी। स्टूडेंट आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वन बाय टू 7.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7.4 मीटर, 1/2 54.76 मीटर स्क्वायर and divided by 2 27.38 meter square, ये इसका आंसर। जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर शेप ब्लॉक इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉक दैट इट कवर ऑन द वॉल। स्टूडेंट हाइट भी गिवन है और बेस भी गिवन है, क्वेश्चन नंबर फोर आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹25.5 पर स्क्वायर मीटर, द बेस ऑफ प्लेग्राउंड इज 88 मीटर एंड हाइट इज 66 मीटर। जी स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, देन आपने जो आंसर आएगा उसको आपने 25.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव
गिवन क्या है, हाइट और बेस। हाइट है 66 और ये है जी 88 मीटर। द कोस्ट ऑफ लैंडिंग जिसमें आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। 1/2 हाइट की वैल्यू क्या है 66 मीटर मल्टीप्लाई बाय 88 मीटर। जिसमें मल्टीप्लाई कर लें वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय 5808 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2904 मीटर स्क्वायर। एरिया ये है। अब आपने क्या करना है, इसका लेवल के लिहाज से देखना है, लेवलिंग करनी है हमने। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 2904 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25.5 पर स्क्वायर मीटर से, ये कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 74,052 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर शेप फील्ड इज 246 मीटर एंड हाइट इज 125 मीटर। हाउ मच राइस विल बी प्रोड्यूस इन दिस फील्ड एट द रेट ऑफ रुपी 24 क्विंटल पर हेक्टर। हेक्टर में स्टूडेंट 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। अब मैं आपको ये इसमें क्या कहा हुआ है, फील्ड कहते हैं मैदान को, कि इस मैदान में कितने चावल जो है हम उगा सकते हैं, आपने बताना है। अगर उसका रेट है 24 क्विंटल पर हेक्टर। जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने पहले जैसे ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 24 के साथ, ठीक है। 24 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अ रूम इज ट्रायंगुलर इन शेप, कि एक जो कमरा है वो जो है ट्रायंगल की शेप में है। इट्स बेस इज 9.4 मीटर एंड हाइट इज 8.6 मीटर। हाइट भी गिवन है, बेस भी गिवन है, मींस आपने पहले इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इट्स वुडन फ्लोर एट द रेट ऑफ रुपीज 250 पर स्क्वायर मीटर। वुडन फ्लोर लगाएं तो बताएं उसमें कितना खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। पहले एरिया फाइंड करें, एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपने 250 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 54 मीटर एंड बेस इज 92 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन इफ देयर आर 18 फ्लावर ऑन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर। आप ये समझ लें कि एक जो रो है उसमें कितने फ्लावर्स हैं, 18 फ्लावर्स हैं। पहले आपने एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट, और देन आपने क्या करना है, बताना है कि कितने रोज में कितने फ्लावर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 7 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Write the formula for finding the perimeter of a square and a rectangle. कि square का perimeter का formula लिखना है और rectangle का, ये हमने पहले भी लिखे थे। Formula देखने क्या है आपके पास,
पेरीमीटर ऑफ आर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, पेरीमीटर ऑफ आर रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी. राइट द फॉर सेकेंड क्वेश्चन देखें. राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द बॉर्डर एरिया ऑफ आर रेक्टेंगल. क्या है हमारे पास, आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर लेंथ. नेक्स्ट है व्हाट इज आर ट्रापीजियम. स्टूडेंट आप इसमें लिखेंगे अ प्लेन फिगर विद फोर स्ट्रेट साइड्स हुज ऑपोजिट साइड आर पैरेलल ऑफ अ इक्वल लेंथ. नेक्स्ट देखें डिफाइन अ पैरेललोग्राम. अ प्लेन फिगर विद फोर स्ट्रेट साइड्स हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. इस डेफिनेशन में और इसमें क्या है कि ट्रैपीजियम में कि वहां पे टू पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर फोर स्ट्रेट साइड्स हैं जो आपके पास दी हुई हैं. नेक्स्ट है डी फिल इन द ब्लैंक्स. एरिया ऑफ अ डैश इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. जी स्टूडेंट एरिया ऑफ अ डैश साइड मल्टीप्लाई बाय साइड किसका फॉर्मूला है, स्क्वायर का सेकेंड पार्ट देखें. लिखा हुआ है एरिया ऑफ अ डैश इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस. हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. थर्ड पार्ट देखें. द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स. स्टूडेंट इसे ऊपर भी दिया हुआ थर्ड पार्ट. एरिया ऑफ अ डैश इक्वल टू 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस. ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा है, उसे भी कहते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. फोर्थ पार्ट देखें. द मेजरमेंट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स. बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर. फाइव पार्ट देखें. अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग थ्री स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड स्टूडेंट. लास्ट वाली दी हुई है हमारे पास कि जिसमें थ्री स्ट्रेट लाइन हो उन्हें हम भी कहते हैं ट्रायंगल. नेक्स्ट देखें टेक द करेक्ट आंसर. फोर मल्टीप्लाई बाय साइड इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. बी पार्ट है फर्स्ट का, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर. तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पार्ट 2 का आंसर ए. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट लिखा हुआ है पार्ट 3. द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 एंड ब्रेथ 2 इज. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करना है, आपको पता है 4 + 2 क्या रहता है फॉर्मूला, 2 × L + B. 2 × 4 + 2 6 आ रहता है, आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर. जी स्टूडेंट देखें कहां लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, डी पार्ट में. पार्ट 3 का आंसर किसमें है, पार्ट डी में. नेक्स्ट देखें. फोर अ क्वाड्रिलेटर विद ओनली 2 पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रैपीजियम.
ये भी डी पार्ट है. इफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो 3 को जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 6. तो 6 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आता है आपके पास? 3 आता है. तो ये कौन सा पार्ट होगा? बी. फर्स्ट पार्ट ए. देखिए स्टूडेंट टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट पार्ट बी, सेकंड ए, थर्ड डी, फोर्थ डी एंड 5 बी. स्टूडेंट टेक द करेक्ट आंसर. आपका कंप्लीट हो गया है. एंड वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 11 मुकम्मल हो गया है. अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड करके अपनी प्रॉब्लम को दूर करें. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्द स्कूल खुलने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी. आप सब अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.